A very good morning, dear students. From today onwards, we will start the revision work. Okay, so today we will revise the fill in the blanks of all the chapters. So first of all, write down today's date, revision work, fill in the blanks. Okay, so first one is WWW stands for. So here this question is asking for the full form of WWW. हमें यहाँ पे क्या बताना है? WWW की full form बतानी है. Okay. So first W stands for world and second W stands for white and third one W stands for web. So WWW stands for World Wide Web. Now second one is website is a dash of web pages. Website क्या है? Collection है हमारी web pages का. Okay? So website हम किसको लेते हैं? Suppose website हमारी एक book की तरह है और उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, बुक्स में जो हमारे नंबर ऑफ पेजेस हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं? वेब पेजेस को. ओके, सो बुक इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस. सिमिलरली वेबसाइट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. ओके, सी ओ डबल एल ई सी टी आई ओ एन, कलेक्शन. नाउ थर्ड वन इज होम पेज इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट. होम पेज हमारा क्या है? मेन पेज है वेबसाइट का. ओके, now fourth one is search engines are used for finding information on the internet. Search engines के through हम internet पे कोई भी data को find out कर सकते हैं, कोई भी information को find out कर सकते हैं. okay, search search, search engines are used for finding information on the internet. और हमारे search engines के examples क्या हैं? जैसे कि Google, आप Google पे search करते हैं, ठीक है? So Google is an example of search engine. Fifth one, print command can also be used to display messages on the logo screen. Print command के through हम messages को display करते हैं logo screen पे. Okay, print, print. Sixth one, the repeat command is used to avoid repetitions of command. So अगर हम same type के commands को बार बार continuously repeat कर रहे हैं, okay? So उसे बार बार हम command लिखने के बजाय हम क्या use करेंगे? Repeat command का use करेंगे, okay? So repeat command avoid करता है, reduce करता है हमारे commands के repetition को, okay? REPEAT, repeat command is used to avoid repetitions of command. Seventh one, the turtle will make six turns for drawing a hexagon. Turtle के through हम क्या कर सकते हैं? The turtle will make, turtle क्या बनाता है? Six turns लेता है hexagon create करने के लिए. Okay, hexagon में हमारी कितनी sides होती हैं? Six sides होती हैं. और हमें six time क्या करना होगा? Turn लेना होगा for creating hexagon. Eighth, a single page of a presentation is called a slide. हमारी presentation का जो single page होता है उसे हम कहते हैं slide. S-L-I-D-E, slide. Ninth, the status bar shows current aspects of the presentation. So हमारी currently जो भी हम command देते हैं, ठीक है, presentation पे, वो सारे कमांड्स हमारे कहाँ पे शो होते हैं? स्टेटस बार पे शो होते हैं. और हमारा स्टेटस बार कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी प्रोग्राम विंडो के बॉटम पे. ओके, एस टी ए टी यू एस, स्टेटस बार, बी ए आर. नाउ टेंथ वन इज टेक्स्ट इफेक्ट्स आर अवेलेबल इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स किस में अवेलेबल होता है? फॉन्ट ग्रुप में, ऑन द होम टैब. सो हमारे जो टैब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारा टैब होता है, ठीक है, उस टैब में हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं. सो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? फॉन्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट. इलेवेंथ, द एंटर की इज प्रेस्ड ट्वाइस फॉर फिनिशिंग द बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट. सपोज वी आर एंटरिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, ठीक है, हम बुलेट्स यूज करके लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर नंबर्ड लिस्ट है हमारी कोई, तो हम ऑटोमेटिकली जैसे ही एंटर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट बुलेट क्रिएट हो जाता है या नेक्स्ट नंबर क्रिएट हो जाता है. ओके, सो ये नंबर हमारा क्रिएट ना हो, हम उसे स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटर की का ही यूज़ करते हैं, बट उसे
ट्वाइस टाइम प्रेस करते हैं, टू टाइम प्रेस करते हैं. ओके, सो जैसे ही हम एंटर की को टू टाइम प्रेस करेंगे, हमारी जो बुलेट होंगे डॉटेड वे में, जो लिस्ट हमारी क्रिएट हो रही होगी या नंबर लिस्ट में हमारी क्रिएट हो रही होगी लिस्ट, वो फिनिश हो जाएगी. ट्वेल्थ वन, इन राइट अलाइनमेंट द टेक्स्ट इज अलाइंड अलोंग द राइट मार्जिन. राइट अलाइनमेंट में हमारा जो टेक्स्ट होगा वो किसकी तरफ अलाइंड होगा, सीरीज में होगा राइट मार्जिन की तरफ. ओके, थर्टींथ, टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एमएस पावर पॉइंट विंडो. सो टाइटल बार हमारा किस में लोकेट होता है, एमएस पावर पॉइंट विंडो के टॉप में. हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, ओके, इनके टॉप में, इन विंडोज के टॉप में टाइटल बार प्रेजेंट होता है. ओके, टी आई टी एल ई टाइटल बी ए आर बार. और टाइटल बार में हमारा क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन का नेम, हमारी फाइल का नेम शो होता है. ओके, फोर्टीन्थ, अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ स्लाइड्स. हमारा प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन है, अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स का कलेक्शन है. नाउ द लास्ट वन इज 15th, एमएस पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस पैकेज. एमएस पावर पॉइंट क्या है, हमारा एक पार्ट है एमएस ऑफिस पैकेज का. एमएस ऑफिस पैकेज में हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस पेंट, एमएस एक्सेस, ठीक है. सो ये एमएस पावर पॉइंट भी इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज. MS Office, OFFICE Office. Okay, so dear students, today you have to do these 15 fill-ups in your notebook. So that's all for today. Thank you. Have a good day.